देखो जी, मैंने कहा टंगड़ी कबाब बनाने हैं तो बहुत समझदारी से हमारी टीम ने ये दो बर्तन जो है सामने रख दिए हैं, पर मुझे ये लगता है कि इन बर्तनों में अगर हम टंगड़ी कबाब या कुछ भी बनाएंगे तो मैरिनेशन सारा इसमें चिपक जाएगा। तो टंगड़ी कबाब तंदूर जैसा बिना तंदूर के बिना पैन के कैसे बनाएं, ये आज की विविध भारतीय विज्ञान प्रसारण सेवा का रणवीर बरार केंद्र है जहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इन पर रख देते हैं वापस, मिलते हैं म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, टंगड़ी कबाब बनाने के लिए हमको चाहिए टंगड़ी, ड्रमस्टिक उर्फ टंगड़ी। ड्रमस्टिक इसलिए कहते हैं कि पुराने टाइम में आप इससे ड्रम बजा सकते थे, वैसे वाली ड्रमस्टिक। अब टंगड़ी कबाब को बहुत सारे यूं तो कट्स मार सकते हैं आप, मेरी सलाह है कि सिर्फ एक कट मारिए यहां से, ये रेशा जो है ना सफेद वाला, सिर्फ इसको अलग कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दिल बन रहा है ना यहाँ पे, दिल हार्ट, इसको काट दिया। उसके बाद पकड़िए, पकड़ के ऐसे, ये देख रहे हैं आप ये जो धागा है ना अंदर, ये धागा होता है देखिए ऐसे, और ये धागा टेंडन ये यूं जुड़ी होती है हड्डी से, जब पकाते हैं तो ये पूरे मीट को खींच लेता है, जूसी नहीं रहने देता। बस आप इसको बीच से कट मार दीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप चाहें तो ये जो है ना इसके टेंडन, इसको ऐसे खींच के निकाल सकते हैं और भी काट सकते हैं। कैसे निकालना है टेंडन वो भी दिखा देता हूँ। यूं पकड़िए, ये खींचिए, ये निकला ना धागा, अब ये आपको काट देना है अगर आप चाहें तो। बेसिकली मसल को हड्डी से जोड़ने वाला जो रेशा होता है ना, वो टेंडन बोलते हैं हम उसको, वो हो जाता है टाइट, और जब वो टाइट हो जाता है तो आपकी मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, स्वाद नहीं आता। ये देखिए, खास तौर अगर कबाब बना रहे हो जहाँ पर ड्राई कुकिंग होनी है, वहाँ पर तो ये कट लगाना बहुत ज़रूरी। अच्छे टंगड़ी कबाब की यही मोनोपोली है, ये किसी ने नहीं बताया ना, हम हैं ना। अब हमारा ये जो मीट है ये आज़ाद हो गया, देखिए। तो ये टेंडन अगर आप हटाना सीख गए ना तो समझ लीजिए 50% प्रॉब्लम सॉल्व। आप चिकन ही नहीं मटन भी साफ कर रहे हो, तो हड्डी को जहाँ पर मसल से जोड़ने वाला टेंडन है वहाँ पर एक कट ज़रूर मार लीजिए, वरना वो जो पकेगा तो एकदम से ऐसे टाइट हो जाएगा। एक बुचरी का बहुत सिंपल सा बेसिक है, वो भी बता दिया आपको। अब वापस आते हैं अपने कबाब के बेसिक्स पे। अब ये जो कबाब है ये हम बड़े मज़ेदार तरीके से पकाएंगे, ये होगा ट्वाइस कुक टंगड़ी कबाब। एक बार हम इसको पकाएंगे हल्का सा दम पे, आप चाहें तो कुकर में ही पका सकते हैं, और दूसरी बार हम उसको बिल्कुल एकदम वैसा वाला फ्लेवर देंगे जैसा कि तंदूरी टंगड़ी कबाब में आता है। नमक, सबसे पहले नमक से शुरू करते हैं। हेलो जी, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया की जो डंडी है ना बिल्कुल नरम वाली, और बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। अब इसके बाद दही, ये कोई टंगा वंगा दही नहीं, रेगुलर दही। अगर दही खट्टा नहीं ना, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और इसके बाद चिकन को छोड़ना है कम से कम, नहीं तो 15 मिनट। हाँ, तो ये हो गया जी मैरिनेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, मैरिनेशन नंबर 2 रेडी करेंगे। अब ये 1-2 का क्या हिसाब है ना, मैं सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ये बिल्कुल चुटकू सी मेथी, काली मिर्च, इलायची स्मॉल एंड इलायची 1 बिग, 2 लौंग, बेबी जावित्री बिल्कुल थोड़ी सी नाम भर की, चुटकू सी कसूरी मेथी, और साथ में थोड़ा नमक। अब ये जाएगा पिसने, इसको मैंने गर्म क्यों नहीं किया, इसको मैंने गर्म इसलिए नहीं किया बिकॉज ये सेकंड मैरिनेशन में जाएगा, जो बराबर से भुनेगा उसमें टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा, अपने आप गर्म हो जाएगा। दूसरा मिक्सी में थोड़ा गर्म वैसे ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसको गर्म नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो मैरिनेशन मैं बना रहा हूँ उसके लिए ये पार्ट ऑप्शनल, ठीक है। चीज़ स्प्रेड मेरे पास पड़ा था तो मैंने ले लिया, अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको चीज़ स्प्रेड लेना, अगर रेगुलर चीज़ है तो वो चीज़ ग्रेट करके भी ले सकते हैं। ग्रेट करके हल्का सा ऑयल डालिए तो उसको मिक्सी में घुमा लीजिए, जो चीज़ का पेस्ट बन जाएगा वो भी ले सकते हैं आप। चीज़ स्प्रेड के साथ में टंगा हुआ दही उर्फ चक्का दही ले लिया, तो ये टंगा हुआ दही या चक्का दही वो रेगुलर दही है जिसको हमने मसलिन क्लॉथ में या छन्नी में डाल दिया, और डालने के बाद फिर उसको फ्रिज में छोड़ दिया रात भर, और सुबह वो निकाल लिया बस। नहीं, मैं क्या कर रहा था, 2 चीज़ देख रहा था, एक तो ये कि जो अपना चीज़ स्प्रेड है उसमें नमक कितना है, और दूसरा दही उसमें खटास कितनी है, क्योंकि खटास के लिए अभी थोड़ा सा लेमन जूस भी डालूंगा और नमकीन पने के लिए थोड़ा सा नमक भी डालूंगा।
ये भुने चने का बेसन है, लगभग आधा टीस्पून डाला है मैंने। अब भुने चने का बेसन डालने का मकसद ये है कि हमारा जो मैरिनेशन है वो आग पे जाके फटे ना, पकड़ ले। तो बारीक चौप पुदीना, हमने जो मसाला बनाया है वो मसाला, ये हमारा वाला मसाला, और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। अगर आप मलाई टंगड़ी बना रहे हैं तो फिर उसका कलर मलाई वाला होना चाहिए। ये देखिए, है ना मलाई वाला कलर एकदम। अभी वापस आ जाते हैं अपने पहले वाले प्रोग्राम पे। ये वाला प्रोग्राम आपको याद है ना, दही, अदरक लहसुन, फिर अपनी हरी मिर्च, फिर धनिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेना है थोड़ा घी, तो घी में हमने डाले खड़े मसाले, उसमें तीन चीज़ें डाली सिर्फ, बड़ी इलायची के दाने, लौंग और तेजपत्ता, ठीक है। इसके बाद इस पर टिकाया ये अपना चिकन, और उसके बाद सारा मैरिनेशन, वेस्ट कुछ नहीं करना, टेस्ट सारा इसी में। अब इसको ढक देना है ऊपर से। मकसद ये है कि चिकन धीरे धीरे 70% कुक हो जाए, ठीक है। उसके बाद तो फिर हमने दूसरे मैरिनेशन में डालना है उसको, और दूसरी तरफ कोयला रख देते हैं जलने के लिए। बड़े कोयले के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बड़ा कोयला हमेशा चटकता है। ये देखिए कैसे चटक रहा है। कभी भी काम करें, कोशिश करें छोटे कोयले के साथ काम करने की, खासतौर अगर आप सिंगड़ी का काम कर रहे हैं या अंगीठी का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मकसद ये है, चिकन को पहले दम देना है, दम में चिकन को नरम करना है, लेकिन वेल्डन नहीं करना, नरम करना है, और उसके बाद फिर चिकन को दूसरे मैरिनेशन में डाल के और फिर भूनना है, जैसे कि टंगड़ी भूनी जाती है, ठीक है। दम देखिए बढ़िया सा हो रहा है ये। अभी पलटना है इसको। अभी देख रहे हैं एकदम चिकन जो है एकदम लॉलीपॉप जैसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने उसके जो बीच की टेंडन थी वो निकाल दी। बहुत इंपॉर्टेंट मोनोपोली आपने समझ ली। अब इस चिकन के अंदर गहराई से हमको देना है स्मोकी फ्लेवर। फैंटास्टिक हो गया ये। गैस कर दो बंद, ऑलमोस्ट डन। ये जो गैस हमने बंद कर दिया इसका मतलब ये है कि चिकन इज 70% डन, एक्चुअली 60% डन है, बाकी अपनी हीट में पक के 75% टाइप हो जाएगा। पता कैसे करें 75%, वो तो बता दूं। जब आप इसको ऐसे दबाएंगे, जब सफ़ेद लिक्विड निकलना शुरू होगा, मतलब मामला जो है वो तैयार है। पहले जो है रेड लिक्विड निकलेगा, फिर पिंक लिक्विड निकलेगा, फिर क्लाउडी लिक्विड निकलेगा, फिर क्लियर लिक्विड निकलेगा। क्लियर लिक्विड मतलब 80% डन। नाइस। अब टंगड़ी जो है अपनी रेडी है, कटोरी गई बीच में, ये गया कोयला, ये गया हमारा लौंग। तंदूर की जो खुशबू है वो धीरे 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 चिकन के अंदर जा रही है, और गैस बंद हो चुकी है, इसलिए जितना देर आप छोड़ सकते हैं छोड़ दें, मतलब आधा घंटा छोड़ सकते हैं छोड़ दें, 40 मिनट छोड़ सकते हैं छोड़ दें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना भी धुएं खुशबू चिकन ले लेगा उतना अच्छा है। कह कि एकदम फर्स्ट क्लास लल्लन टॉप। शेप कैसे आई अब आपको पता है, टेंडन की वजह से। अभी ये जो है ना, ये जो बच गया है इसको फेंकना नहीं है, इसमें सारी मोनोपोली मतलब इसमें सारा टेस्ट है, चिकन का टेस्ट, धुएं का टेस्ट। तो अभी इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके छान के वो जो हमारा सेकंड मैरिनेशन पड़ा है ना उसके अंदर डाल देंगे। तो बेसिकली दही का घी, चिकन का जूस, वो सब लिया और मिक्स कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर चाहें तो आप भुने चने का बेसन बाद में डाल दें। ये देखिए धुएं की खुशबू भी आ गई, चिकन की खुशबू भी आ गई, हरी मिर्च का टेस्ट भी आ गया, और धनिया की डंडी खुशबू भी आ गई। 5 मिनट वेट करेंगे। 5 मिनट इसलिए वेट करेंगे कि चिकन जो है वो अपना स्ट्रक्चर पकड़ेगा। एकदम से गरम गरम चिकन को मैरिनेशन में डालेंगे, चिकन के टूटने के चांसेस हैं। उसके बाद दोनों को मिलाएंगे और फिर सेकेंगे और फिर बनाएंगे असली ओरिजिनल तंदूर से बेहतर तंदूरी टंगड़ी कबाब। यह आपको प्रूफ देने के लिए निकाला है मैंने। एक पीस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अच्छा पीस है, हर पीस की शेप देखिए अपने आप ठीक हो गई ना, बिकॉज आपने वो टेंडन निकाल दिया। ये नरम है, एकदम नरम, थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करिएगा, सिंपल इजी। अब अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये राउंड वाली साइड है, इसके अपोजिट साइड हाथ लगाइए और ये देखिए,
तो ये एकदम फर्स्ट क्लास लॉलीपॉप वाला फील आ जाएगा इसमें। नीट एंड क्लीन हो गया ना मामला। अब आते हैं मैरिनेशन पे। जहां जहां घुस सकता है मैरिनेशन, टंगड़ी पे मैरिनेशन लगाया अच्छे से, ठोक के लगाना है मैरिनेशन अच्छे से एकदम बाकायदा। अब सिर्फ टंगड़ी नहीं है, मतलब आप चाहें तो पूरा तंदूरी चिकन ऐसे बना सकते हैं। चिकन लीजिए, उसको ऐसे ही पका लीजिए जैसे मैंने टंगड़ी को पकाया फर्स्ट मैरिनेशन में। सेकंड मैरिनेशन रेडी रखिए, लाल या सफ़ेद या जो भी है, उसके अंदर फर्स्ट मैरिनेशन के जूस डाल दीजिए और मामला तैयार। देखो जी ये है, अब बस धीरे धीरे ये कोयले की खुशबू इसके अंदर हमने ऑलरेडी डाल दी है। अब जो है रंग डालना है भूनने का बस। तो ऐसे धीरे 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 चिकन ऑलरेडी जो है वो ल्यूकवॉर्म है, टेंशन अपने को है नहीं। बढ़िया, देखिए फर्स्ट क्लास रंग आया है। वाह, ये हमारी टंगड़ी है। इसके दो हिस्से हैं, ये नीचे का पतला हिस्सा, ऊपर का मोटा हिस्सा। हमने हड्डी के साथ साथ इसको मोटे वाले हिस्से में डाल दिया। ये है जी जुगाड़ नंबर दो। अगर सरिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है यार रणवीर जाली के ऊपर चिपक रहा है मैरिनेशन, तो ये नहीं तो चिमटा है, तो हर टंगड़ी को ऐसे चिमटे पे लेके और चिमटे पे भी सेक सकते हैं। और ये सरिया तो मिल जाता है आजकल सब जगह, अमेज़न ये वो कितने कितने वो वेबसाइट्स। क्या बात, ये देखिए देखिए इसको, इसे देख के कौन कहेगा कि तंदूर से नहीं निकली हुई है। अब अगर आप ऐसे एक स्क्रीनशॉट लेंगे और किसी को भेजेंगे और बोलेंगे कि ये टंगड़ी जो है इसे तंदूर की शक्ल भी नहीं देखी, कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। और ये पैन पे भी नहीं पकी, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। एक काम कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, अब भेजिएगा व्हाट्सएप पे, फिर शर्त लगाइएगा। हल्का सा घी, शाइन की शाइन आएगी और जूसीनेस की जूसीनेस रहेगी। ब्यूटीफुल, देखो जी क्या रंग आया है कि नहीं। नाइस, कौन कहेगा कि इसने तंदूर की शक्ल भी नहीं देखी है। एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चिकन के टेंडन्स निकाल लें, दूसरी चीज़ चिकन का फर्स्ट मैरिनेशन और सेकंड मैरिनेशन रेडी कर लें, तीसरी चीज़ उसको अच्छे से दम दें और धुएं का फ्लेवर दें और जूसेस ना फेंकें, चौथी चीज़ जब आप उसको निकालेंगे और वापस मैरिनेट करेंगे तो चिकन को रेस्ट कर लें वरना गरम गरम चिकन टूट जाएगा। बाकी गॉड इज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पता नहीं क्यों और कैसे झेलते हैं आप मेरे को, बट थैंक यू वेरी मच। आई एम बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू।